तो हेलो दोस्तों, मैं हफीज और आप देख रहे हैं हफीज की दुनिया। तो दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई वेब सीरीज क्राइम नेक्स्ट डोर का पहला एपिसोड मैंने अभी अभी देख लिया है और इसका पहला एपिसोड देखने के बाद मैं बस यही कहूँगा कि ये वेब सीरीज काफ़ी प्रॉमिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले एपिसोड ने मेरे अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट जगा दिया है, लेकिन जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा था, इसका एपिसोड ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है अगर इसकी एपिसोड की लेंथ और ज़्यादा होती तो मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला था। और अगर बात करें इसके पहले एपिसोड की, तो इसका पहले एपिसोड में रंजीत नाम के एक बिजनेसमैन हैं जिनको एपिसोड के स्टार्टिंग में हाईवे पे अपनी गाड़ी पे जाते हुए दिखाते हैं, और नेक्स्ट सीन में इनकी वाइफ जिनका रोल प्ले कर रही हैं मधुरा विलानकर, और इनके साथ इस वेब सीरीज के मेन इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर और मेन लीड रवि शाह को दिखाते हैं, जहाँ रवि शाह एक पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं और वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन किस बात में है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। और अगर बात करें एपिसोड 1 के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो तीनों करेक्टर जो अभी दिखाए गए हैं, तीनों का काम बढ़िया लग रहा है। जहाँ गिरीश कुलकर्णी, रवि शाह और मधुरा वेलानकर, तीनों का काम मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो ऑल इन ऑल इसके पहले एपिसोड को मैं रेट करूँगा 4 out of 5 स्टार से। मुझे ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने इस एपिसोड को बिना स्किप किए हुए देखा है। और अगर बात करें क्राइम नेक्स्ट डोर के वेब सीरीज़ की, तो मुझे ये वेब सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आने वाले एपिसोड्स में हमें इसकी आगे की स्टोरी पता चलेगी और इस वेब सीरीज़ में नए नए कैरेक्टर्स, नई नई स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर। Bye-bye.